तो बिग बॉस का बड़ा अपडेट लेके आ चुके हैं, सलमान खान ये शो छोड़ रहे हैं या नहीं रियल में। तो सलमान खान ने बड़ा फैसला ले लिया जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। दोस्त को खोने के बाद उनपे खतरा तो मंडरा ही रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, बट इसी बीच में वो बड़ा फैसला ले लिया है। चीजें ये चल रही थी कि सलमान खान अब सुरक्षा जो है ये बढ़ा दी गई, साइड टाइट सिक्योरिटी कर दी है और कुछ अनहोनी ना हो। जिस तरह से उनके खास मित्र को जाना पड़ा है और जिस तरह से मुनव्वर फारूक को भी चीजें हुई थी और उनपे भी कहीं ना कहीं दिल्ली से मुंबई के लिए निकाला गया था जब वो मैच खेलने आए थे, और अभी जो जांच हुई लोग पकड़े गए और उनमें से पता कर किया गया कि मैं मुनव्वर फारूक की रैकिंग कर रहे थे। मतलब कि साफ है कि उनका चार नाम टारगेट पे है, जिनके जिनमें नाम सलमान खान मुनव्वर है। और अब बात यह आती है कि सलमान खान ने जो फैसला लिया है उस पर मैं बात करती हूँ। देखो सिक्योरिटी टाइट होने के बाद सलमान खान अपने प्रोजेक्ट को छोड़ना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बिग बॉस चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे सलमान खान का, वो जाते रहते हैं इवेंट वगैरह में, तो ऐसे ही जाते रहेंगे तो जनता का भीड़ जाएगा, लोगों का भीड़ आएगा तो खतरा बढ़ जाएगा, तो उनके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। सलमान खान का ये रिएक्शन था ये लिए है, अब ये फाइनल कर दिया गया कि जो एक बार में कमिटमेंट कर दी अब मैं अपने आप का भी नहीं सुनता। जी हाँ, ये एक चीज फाइनल कर दिए कि जो अब जो भी हो देखा जाएगा, पर मैं जो कर चुका हूँ, वादा कर चुका हूँ, जो मैं अपना प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ, सिग्नेचर कर चुका हूँ, अब वो पूरा होगा। यानी कि गाइस वो बिग बॉस 18 को पूरा सीजन वो कवर करेंगे, काफी अच्छा खुशी का बात है। ये चीजें तारिक के लाइफ कुछ भी समझ सकते हो क्योंकि इतना बड़ा खतरा है, जिस तरह से डटे हुए बिना डरे वो चीजें कर रहे हैं तो तारीफ तो बनती है। पर एक सुरक्षा एजेंसी के ऊपर भी आती है बात, एक बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्टर एंड सबसे बड़े हीरो को इस तरह से टारगेट पे रखा गया है, और जो सुरक्षा रखी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी गई है, जो कि देश में कुछ सुरक्षा नाम की चीज भी तो होनी चाहिए, वो चीज कहीं ना कहीं अब अच्छे से ध्यान दें और कहीं ना कहीं उनका जो सेफ्टी है बस उस पर ध्यान दे। फिलहाल के लिए बड़ा फैसला लिया है कि वो बिग बॉस पूरा शो करेंगे और कुछ जो प्रोजेक्ट वो साइन कर लिए जैसे वो कर रहे थे वैसे ही करेंगे, जो कमिटमेंट कर रखे हैं तो वो कंटिन्यू करेंगे, तो काफी मजा आएगा। ऐसा नहीं हो कि वो डर के वजह से वो अपना प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, दोस्त चले गए या फिर जो तरह से धमकी आ रहा है की जा रही है, घर पे भी हमला हुआ था, तो वो चीज को वो इग्नोर किया जाएगा और जो अपना काम है वो अपना फोकस करेंगे। तो काफी अच्छा अपडेट है यार, सलमान खान का कहना बहुत अच्छा है, पर जो उनका सुरक्षा जो है बस अच्छे से उनका प्रोजेक्ट निकले। और अभी उनके घर में भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड जो बढ़ा दिया गया है क्योंकि कुछ हो ना हो, और वो अकेले घूम नहीं सकते हैं और किस वो बस उसकी नजर रखी जाए। जो गाड़ी है बुलेट प्रूफ है पूरा गाड़ी, बहुत चीज रहेंगी जो उनको हेल्प कर सकती है। बिल्कुल ऐसे कंडीशन में सलमान खान का अभी दौर चल रहा है। फिलहाल के लिए गई सुरक्षा बढ़ा दी गई है सलमान खान के लिए और अपना प्रोजेक्ट वो कंटिन्यू करेंगे, तो काफी मजा आएगा बिग बॉस शो देखने के लिए। चलो गाइस, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, और डरने की बात नहीं है, सलमान खान रहेंगे।